Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Okay, so let's start this session. The subject is English, Standard 3. Subject is English. Chalo, we have completed Unit 1, 2 and 3, right? So today we will learn Unit number 4. Chalo, ek unit mein ek poem aur ek story hai. तो सबसे पहले हम पोयम लर्न करेंगे यूनिट 4 में. ओके, द टाइटल इज सी सॉन्ग. व्हाट इज द टाइटल? सी सॉन्ग. चलो, सी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सी? सी मतलब समुंदर. सी क्या होता है? समुंदर. सी सॉन्ग, समुंदर का गाना. सॉन्ग मीन्स गाना. चलो, हैव यू एवर कलेक्टेड शेल्स? Enjoy this poem about a shell that sings. Chalo, have you ever collected shells? Shells kya hote hai? What is shells? Jab bhi aap sea ya phir ocean ya phir river ke area mein jab aap jate ho, the ground of river, tab aapko wahan pe chote chote insects dikhai dete hai, right? Sea insects. To wo sab kya hote hai? Sea insect hote hai. Usme shell hote hai. Shell matlab shank. Kya hota hai? Shell matlab शंख. चलो यहाँ पे देखो, हैव यू एवर कलेक्टेड शेल्स? क्या आपने कभी शेल्स को इकट्ठे किए हैं? कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना. एंजॉय दिस पोयम अबाउट अ शेल दैट सिंग्स. चलो, ये पोयम जो है वो किसके बारे में है? शेल के बारे में. शेल दैट सिंग्स. शेल क्या है? शेल क्या करता है? शेल दैट सिंग्स, वो गाना गाता है. चलो पोयम में देखते हैं कि वो कैसे गाना गा रहा है. आई फाउंड अ शेल, अ कर्ली वन. आई फाउंड अ शेल. चलो, फाइंड का क्या हो गया है यहाँ पर? फाउंड हो गया है. आई फाउंड, फाउंड करना मतलब ढूंढना. आई फाउंड अ शेल, अ कर्ली वन. चलो, उसको क्या मिला है? व्हाट डिड ही फाइंड? ही फाइंड अ शेल, अ कर्ली वन. कैसा है शेल? शेल मतलब शंख. अ कर्ली वन कैसा है? कर्ली कर्ली से, उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर एकदम कर्ल्स कर्ल्स होते हैं. लेइंग ऑन द सैंड. लेइंग मतलब क्या कर रहा था वो? एकदम बिछा हुआ था. किसके ऊपर? ऑन द सैंड. सैंड मतलब रेत. चलो, सी जो होता है, ओशन होता है, उसके जो बीचेस होते हैं उसके ऊपर ज्यादातर सैंड आपको देखने को मिलते हैं, राइट? या फिर आप रिवर के पास जाओ तो वहां पे भी सैंड होती है. लेइंग ऑन द सैंड, लेइंग मतलब उसके ऊपर लेटा हुआ था. कहाँ पे था वो? रेत के ऊपर. आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम. चलो, उसने क्या किया? उसने उसको उठाया. पिक किया मतलब उठाना. एंड टुक इट एट होम. टुक मतलब ले जाना. टेक का टुक हो गया यहाँ पे. एंड टुक इट एट होम, वो कहाँ ले गया? अपने साथ उसको ले गया घर. कॉल्ड इनसाइड माय हैंड. कैसे? उसने अपने हाथ में उसको पकड़ लिया और अपने पाम पे रख दिया. उसके बाद वो अपने साथ उसको घर ले गया. देन मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी होल्ड इट टू माई ईयर. मम्मी लुक डेट इट. चलो, घर पे जाता है तो उसके पास कौन होती है? उसकी मम्मा उसको देखती है. मम्मी लुक डेट इट. चलो, मम्मी ने उसके हाथ में देखा कि ये एक शेल है, तो उसने क्या किया? मम्मी लुक डेट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर. चलो, हेल्ड मतलब होल्ड. होल्ड का यहाँ पे हेल्ड है. होल्ड मतलब पकड़ना. शी हेल्ड इट टू माई ईयर. कहाँ पे उसने रखा? ईयर पे, कान पे रखा शेल को. एंड फ्रॉम द शेल देर came a song soft and sweet and clear. चलो, and from the shell, चलो shell के पास अभी कैसी आवाज आ रही थी? उसमें से कुछ sound निकल रहे थे. shell there came a song. चलो, एक गाना वहां से निकल रहा है shell के अंदर से. जैसे ही मम्मा ने उसके ear पे रखा, a song came and soft. How was the song? It was sounding soft and sweet and clear. कैसा था? एकदम soft आवाज आ रही थी, एकदम मीठी सी आवाज आ रही थी और एकदम clear आवाज आ रही थी. I was surprised. चलो, वो उसने क्या किया? वो क्या हो गया? एकदम सरप्राइज हो गया. वो एकदम चौंक गया. I was surprised कि ऐसे शेल से भी गाना गाने की आवाज आ सकती है, इतना सॉफ्ट, इतना स्वीट, इतना क्लियर. चलो, I listened hard. उसने बहुत बार उसको सुना. लिसन मतलब सुनना. I listened hard, but it was really true. वो एकदम ट्रू था, मतलब सच में उसमें से आवाज आ रही थी. I wish you would find a nice big shell. चलो, अभी वो आपको क्या कह रहा है? I wish you would find, आपको भी ऐसा nice big shell, मतलब बहुत ही अच्छा प्यारा प्यारा शेल आपको भी मिले. And hear it singing too. और आप भी उसके ऐसे स्वीट वॉइस को सुने, राइट? चलो, उसके बाद सम न्यू वर्ड्स आर हियर. शेल, शेल मीन्स
शंख देन हेल्ड, हेल्ड मतलब होल्ड, होल्ड का हेल्ड है यहाँ पे पकड़ना थामना, देन सरप्राइज मतलब चौक जाना एकदम आश्चर्यचकित होना, देन कर्ली मतलब एकदम कल कल होना, उसके जो बॉडी होती है वो एकदम कर्ली होती है। उसके बाद क्लियर, क्लियर मतलब एकदम क्लियर मतलब एकदम स्वच्छ आवाज आना, कैसी आवाज एकदम क्लियर सुनाई देना। देन लुक डाउन हियर, रीडिंग इज फन, सम क्वेश्चन आंसर हियर, वी विल लुक इट आउट एंड वी विल फाइंड इट आउट ऑन द सॉल्यूशन। ओके लुक हियर, क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक सॉल्व, रीडिंग इज फन। नंबर वन इज वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शेल, वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शेल। चलो जो चाइल्ड उसमें जो बॉय था उसने जो शेल था वो कहाँ से फाइंड किया था, सो द आंसर इज द चाइल्ड फाउंड द सी शेल लाइंग ऑन द सैंड। चलो वो सैंड कहाँ पे था, वो सी पे था राइट, वो बीच पे था एक, वहां पे उसने क्या फाउंड किया, उसने क्या ढूंढा था, उसको क्या मिला था, उसको एक शेल मिला था और वो क्या कर रहा था, कहाँ था वो शेल, लाइंग ऑन द सैंड, किसके ऊपर था वो, सैंड के ऊपर था। द चाइल्ड फाउंड द सी शेल लाइंग ऑन द सैंड। देन नंबर टू, व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द शेल, व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द शेल। चलो अभी उसने उसको जो शेल मिला था उसके साथ उसने क्या किया, व्हाट डिड ही डू विद द शेल, सो आंसर इज द चाइल्ड पिक्ड अप द शेल एंड टुक इट होम। उसने क्या किया था, जैसे उसने उसको देखा उसने पिक कर लिया और उसने अपने हैंड में क्लोजली पैक करके अपने घर ले गया था। द चाइल्ड पिक्ड अप द शेल एंड टुक इट होम, कहाँ पे ले गया था वो, अपने साथ अपने घर ले गया था। देन व्हाट डिड द चाइल्ड हियर, व्हाट डिड द चाइल्ड हियर, चाइल्ड ने क्या सुना। चलो आंसर इज द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट एंड स्वीट सॉन्ग एंड क्लियर एज वेल। चलो उसने क्या सुना था, जैसे ही वो घर पे ले गया उसने अपनी मम्मा को दिखाया, मम्मा ने उसको अपने ईयर के पास रखा, उसमें से क्या आवाज आ रही थी, एकदम सॉफ्ट स्वीट एंड क्लियर वॉइस आ रहा था राइट। तो वो गाना कहाँ से बज रहा था, शेल के अंदर से वो आवाज आ रही थी, दैट इज कॉल्ड सी सॉन्ग। द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट एंड स्वीट सॉन्ग, क्या सुना उसने, एकदम ही स्वीट और सॉफ्ट आवाज उसमें से आ रही। सेकेंड वाली पैर है कॉल्ड एंड बॉल्ड, कॉल्ड बॉल्ड। उसके बाद यहाँ पे देखो टुक है, द वर्ड टुक, टुक लुक, कौन सा वर्ड आएगा, टुक एंड लुक। चलो यहाँ पे करो टुक लुक। उसके बाद द थर्ड वन सैंड, सैंड कौन सा वर्ड है, सैंड, सैंड हैंड, यहाँ पे देखो सेकेंड रो में सेकेंड सैंड हैंड। देन उसके बाद लास्ट वाली पैर कौन सी बनेगी, मम्मी टमी, मम्मी के नीचे टमी का स्पेलिंग है, मम्मी टमी। चलो तो बन गई सारी पैर, बन गई फाउंड साउंड कॉल्ड बॉल्ड सैंड हैंड टुक लुक एंड मम्मी एंड टमी। चलो उसके बाद नीचे देखो, फील इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट वर्ड चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स बिलो, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, फील इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट वर्ड। यहाँ पे हमें ऑपोजिट वर्ड्स राइट करने हैं चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स बिलो, यहाँ पे आपको बॉक्स दिया गया है उसमें वर्ड्स दिए गए हैं, उसके हमें ऑपोजिट वर्ड्स, यहाँ पे देखो कॉलम बनाई गई है उसमें हमें ऑपोजिट वर्ड्स राइट करने हैं। चलो फर्स्ट वाला देखो, फाउंड मतलब क्या, ढूंढना, और लॉस्ट मतलब खो जाना, फाउंड मतलब ढूंढना, फाइंड का फाउंड है और लॉस्ट मतलब खो जाना। उसके बाद हार्ड, हार्ड का ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा, हार्ड मतलब एकदम सख्त, तो उसका ऑपोजिट वर्ड आएगा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम। चलो यहाँ पे सॉफ्ट राइट करो, एस ओ एफ टी सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट। देन इनसाइड, कौन सा वर्ड है, इनसाइड मतलब अंदर, तो इनका क्या होगा, आउट आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड। देन टुक, टुक मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ टुक, हमने सी सॉन्ग में देखा था टुक वर्ड आया था राइट, टुक मतलब लेना, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, लेना, उसका ऑपोजिट वर्ड देना होगा, देना मतलब गेव, गिव का गेव है, जैसे यहाँ पे टेक का टुक है वैसे यहाँ पे गिव का गेव हो गया है, टुक उसके सामने क्या आएगा, गेव।
लेना और देना देन बिग। बिग का ऑपोजिट आप सबको पता है क्या होगा, शॉर्ट, एस एच ओ आर टी शॉर्ट। यहाँ पे देखो शॉर्ट है, एस एच ओ आर टी शॉर्ट। देन केम मतलब, केम मतलब क्या होगा, आना। केम कम का केम है यहाँ पे, आना केम मतलब आना, तो सामने ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा, जाना। जाना मतलब वेंट। गो का यहाँ पे वेंट हो गया है, जैसे कम का केम है यहाँ पे गो का वेंट है, डब्ल्यू ई एन टी वेंट। चलो फाउंड लॉस्ट, हार्ड सॉफ्ट, इनसाइड आउटसाइड, टुक गेव, बिग शॉर्ट एंड केम वेंट। देन नीचे अभी देखो बाकी है पिक। पिक मतलब पकड़ना, तो उसके सामने ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा, पकड़ना के सामने छोड़ना मतलब ड्रॉप। यहाँ पे देखो ड्रॉप, डी आर ओ पी ड्रॉप, डी आर ओ पी ड्रॉप। उसके बाद ट्रू, ट्रू मतलब सही, तो सामने ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा, गलत, फॉल्स, एफ ए एल एस ई फॉल्स। देन कर्ली, कर्ली मतलब एकदम घुंघराले बाल। हमारे हेयर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं राइट, या तो एकदम कर्ली होते हैं या एकदम स्ट्रेट मतलब सीधे होते हैं, तो कर्ली के सामने क्या आएगा, स्ट्रेट। देन कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा, तो ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा, गर्म, हॉट, कोल्ड हॉट। देन स्वीट मतलब एकदम मीठा, तो उसके सामने क्या आएगा, ऑपोजिट वर्ड कड़वा, बीटर। यू कैन फाइंड फ्रॉम द बॉक्स। देन टॉल, टॉल के सामने क्या आएगा, शॉर्ट। चलो पिक, ड्रॉप, ट्रू फॉल्स, कर्ली स्ट्रेट, कॉल्ड हॉट, स्वीट बीटर, टॉल एंड शॉर्ट। चलो यहाँ पे स्मॉल, बिग के सामने स्मॉल आएगा, एस एम ए डबल एल, इरेज द शॉर्ट एंड राइट द स्मॉल। चलो उसके बाद नीचे देखो, लेट्स राइट, द सी इज बिग, द सी इज बिग, इट इज वेरी वेरी बिग। चलो यहाँ पे शॉर्ट पोएम दी गई है, द सी इज बिग। सी कैसा है, एकदम बिग होता है। सी कैसा होता है, बहुत सारा पानी होता है उसमें राइट, तो एकदम ही बिग होता है। द सी इज बिग, इट इज वेरी वेरी बिग, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी। चलो आप सी की अदर साइड मतलब दूसरी साइड जो होती है, आप जैसे ही बीच पे होते हो, बीच पे खड़े होते हो, तब आप उसकी एक साइड देख सकते हो राइट, लेकिन जो सामने वाली साइड होती है वो आप नहीं देख सकते। यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप, बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज। यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप। चलो आपका आप क्या क्रॉस कर सकते हो, सी को क्रॉस कर सकते हो, लेकिन आप किसमें बैठ के कर सकते हो, वो चल के या फिर वॉक करके नहीं जा सकते। कैसे जा सकते हो आप, इन अ शिप, किसमें जा सकते हो, शिप में या फिर बोट में। बोट तो बहुत छोटी होती है, ज्यादातर आपको अगर समंदर पार करना होता है, सी को क्रॉस करना होता है, तो आप किसमें जा सकते हो, शिप में या फिर स्टीमर्स में जा सकते हो। देन बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको कितने डेज लगते हैं, बहुत ज्यादा डेज लगते हैं। आप एक या दो दिन में वहां पे पहुंच नहीं सकते हो। चलो अभी यहाँ पे देखो, चूज द राइट वर्ड्स, हमें यहाँ पे राइट वर्ड्स चूज करने हैं फ्रॉम द पोएम। ऊपर जो पोएम अभी हमने सिंग की उसमें से, द सी इज वेरी वेरी बिग और फार। चलो यहाँ पे ब्रैकेट पे देखो, बिग एंड फार टू वर्ड्स दिए गए, उसमें से कौन सा आएगा, द सी इज वेरी वेरी बिग, कैसा होता है, बड़ा होता है, फार मतलब दूर, दूर नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द सी इज वेरी वेरी बिग, बी आई जी बिग। उसके बाद यू कैन नॉट द अदर साइड, यू कैन नॉट हियर और सी। यहाँ पे देखो ब्रैकेट में हियर एंड सी है, हियर मतलब सुनना और सी मतलब देखना, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी, तो हम क्या नहीं देख सकते, उसकी अदर साइड नहीं देख सकते। देन यू क्रॉस द सी, यू क्रॉस द सी। चलो हम सी को क्रॉस कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नो वी कैन नॉट क्रॉस द सी, कैन नॉट। देन यू कैन क्रॉस इट इन अ
बस और शिप यू कैन क्रॉस इट इन अ, चलो आप कैसे क्रॉस कर सकते हो इसको, बस में बैठ के कर सकते हो या फिर फोर व्हीलर टू व्हीलर में या ट्रेन से जा सकते हो, कि आपको शिप में बैठना पड़ेगा. यस वी कैन क्रॉस इट बाय अ शिप. चलो डन. देन नीचे देखो, से अलाउड द शेल, सॉरी शी सेल्स सी शेल्स, शी सेल्स सी शेल्स, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर. चलो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आपके क्लियर होने चाहिए, ये कैसे हमें अलाउडली से करना है, बोलना है. चलो यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़े से डिफरेंट है. शी पहले में क्या है, शी, चलो फर्स्ट वाली लाइन देखो, शी सेल्स क्या है यहाँ पे, सेल्स है, SELL, सेल. सेल मतलब क्या होता है, सेल का मतलब बेचना. शी सेल सी, उसके बाद क्या है, सी है, वहां पे शी था यहाँ पे सी हो गया, और सेल और यहाँ पे क्या हो जाता है, शेल्स हो जाता है. क्या हो जाता है, शेल्स, सी सेल्स. वो क्या कर रही है, शी मतलब एक गर्ल के लिए यूज किया जाता है, शी सेल्स बेच रही है. क्या बेच रही है, सी शेल्स. क्या बेच रही है, सी शेल्स, शी सेल्स सी शेल्स, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर. सी शोर कहाँ पे बेच रही है वो, सी शोर पे बेच रही है. कहाँ पे, किसके ऊपर बेच रही है वो, सी सी शेल्स को, सी शोर में. शी सेल्स सी शेल्स, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर. डन. तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके प्रोनाउंसिएशन सारे क्लियर होने चाहिए. देन नीचे देखो, रीड द फॉलोइंग साइलेंस. चलो यहाँ पे हमें रीड करने हैं, बर्ड बर्ड्स सिंग, फॉन्स रिंग, पीपल टॉक, डॉग्स बार्क, काउस मू, कॉक्स क्रो, बीज बज, चिल्ड्रन हश. चलो यहाँ पे देखो, सबके जो साउंड होते हैं अलग अलग, कौन कैसा साउंड करता है उसके बारे में कहा गया है. बर्ड्स सिंग, बर्ड क्या करते हैं, चहकते हैं, गाते हैं. देन फॉन्स रिंग, फॉन्स गा सकते हैं, नो no, क्या करते हैं, रिंग करते हैं. देन पीपल टॉक, पीपल क्या करते हैं, बातें करते हैं, बोलते हैं. देन डॉग्स बार्क, चलो डॉग्स बातें कर सकते हैं, दे कैन नॉट टॉक, वॉट डू दे डू, दे बार्क, डॉग्स बार्क क्या करते हैं, बार्क करते हैं मतलब भसना. देन काउंस मू, चलो काउंस जो होती है वो बार्क नहीं कर सकती, वो क्या करती है, मू मू बोलती है, राइट, ऐसे साउंड निकालती है. देन कॉक्स क्रो, कॉक्स क्या करते हैं, क्रो करते हैं. देन बीज जो होती है वो क्या करती है, बजिंग करती है. देन चिल्ड्रन हश करते हैं. चलो नीचे देखो, मैच द पैरासिस फेरेसिस विद द पिक्चर. चलो यहाँ पे देखो, आपको पिक्चर दिए गए हैं और सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसके साउंड जो है वो दिए गए हैं फ्रेसिस, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, उसके साउंड के साथ उसको मैच करना है, पिक्चर को मैच करना है. चलो वन हैज बीन टर्न फॉर अस अ बर्ड सिंगिंग, चलो बर्ड यहाँ पे गा रहा है, तो यहाँ पे एरो दिया गया है, मैच किया गया है. नाउ अ काउ मूइंग, क्या कर रही है, काउ मूइंग कर रही है, तो काउ का पिक्चर या कहाँ पे है, फाइंड द पिक्चर ऑफ काउ. चलो यहाँ रहा काउ का पिक्चर, लेट्स फाइंड, लेट्स मैच इट. देन अ फोन रिंगिंग, फोन क्या कर रहा है, रिंग कर रहा है, कहाँ पे है फोन का पिक्चर, हियर इज द फोन. देन अ डॉग बार्किंग, डॉग क्या कर रहा है, बार्किंग कर रहा है, तो डॉग का पिक्चर के साथ उसको मैच कर दो. देन अ कॉक क्रोइंग, कॉक क्या करता है, क्रोइंग करता है, तो यहाँ पे हमने मैच कर लिया है. ओके चलो, हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, उसके बाद स्टोरी आ जाती है. ओके चलो डन.